नमस्कार दोस्तों झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है झारखंड में भारी बरसात के संभावना और कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है और कई जगहों पर एक सप्ताह दोस्तों सूखा रहने के बाद अब जो है झारखंड में भारी बरसात हो रही है तो कैसा रहेगा पूरे झारखंड का मौसम एकदम सही जानकारी सटीक जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कब आपके यहाँ पर भारी बरसात होगी तो अगर आप भी रांची लोहरदगा लातेहार कोडरमा खुंटी जामताड़ा हजारीबाग गुमला गोड्डा गिरिडीह गढ़वा पूर्वी सिंहभूम दुमका धनबाद देवघर बोकारो चतरा सिमडेगा खरसवां सरायकेला साहिबगंज रांची रामगढ़ पलामू पाकुड़ सहित किसी भी जिले गांव या शहर में रहते पूरे झारखंड के तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर, कर दीजिए साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताए कि आप झारखंड के कौन से जिले गांव या शहर में रहते हैं तो दोस्तों मौसम विभाग की माने तो झारखंड में जो है गर्मी से परेशानी से पूरी राहत मिलेगी गर्मी से राहत दिलाने के साथ ही अच्छी खासी बरसात कई जगहों पर भारी बरसात होगी बादल सूरज के गुरुड़ को तोड़ने को बेताब है और मौसम विभाग की तात्कालिक मौसम चेतावनी में बताया गया है कि झारखंड के साहिबगंज बोकारो धनबाद दुमका पूर्वी सिंहभूम गिरड़िया गोड्डा गुमला हजारीबाग जामताड़ा खुंटी कोडरमा लातेहार लोहरदगा रामगढ़ रांची सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों पर अगले एक से तीन घंटे में हल्की से मध्यम तो कई जगहों पर मेघ गर्जना और वज्रपात के साथ भारी बरसात होने की संभावना है साथ ही कुछ जिलों में कुछ स्थानों पर तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हावो भी चलेगी और मौसम विभाग ने इसको लेकर आग्रह किया है लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की शरण लेने की जो है पहले ही सावधानी बरतने और सतर्क रहने को आग्रह किया है और बिजली के खंभों से दूर रहे और किसानों से खास तौर कर आग्रह किया है कि दोस्तों कई जगहों पर काफी खतरे वाली बरसात और बिजली देखने को मिल सकती है झारखंड के इन जिलों में लोगों को सतर्क रहने की संभावना है और मौसम विभाग की माने तो इसका असर चतरा गुमला लोहर आणची सराई केला खर्चावा गिरिडिया हजारीबाग बोकारो देवघर रामगढ़ में काफी भागों पर बिजली गिरने की संभावना होती है और कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात हमें देखने को मिलेगी झारखंड के चौबीस जिलों में कम बरसात होने की वजह से अब तक दो सौ से पच्चीस प्रतिशत जो है धान की खेती हुई है और ऐसे में किसानों की परेशानी लगातार बढ़ोतरी के साथ दर्ज की जा रही है झारखंड में बारिश के चलते कम के चलते दोस्तों काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिला है वहीं दोस्तों बताया जा रहा है कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और मौसम विभाग ने इसको लेकर आग्रह भी किया है और कई जगहों पर अभी से जो है तेज हवाओ के साथ मौसम बदलता हुआ नजर आ रहे वही दोस्तों अगले दो दिन की बात की जाए तो अगले दो दिन के दौरान देवघर धनबाद होने की संभावना है झारखंड तो है और बिजली चमकने के आसार जताए जा रहे और पूरे सात दिन तक काफी ठंडा सोना मौसम रहेगा लातेहार में दोस्तों अगले चौबीस से अड़तालीस घंटों से लेकर पूरे सात दिनों तक अच्छी बरसात और बिजली चमकने के आसार कोडरमा में पूरे सात दिन तक भारी बरसात होगी खुंटी में पूरे सात दिन तक अच्छी बरसात और बिजली चमकने के आसार है जामताड़ा में पूरे चार दिन तक भारी बरसात और बिजली चमकेगी और तेज हवाई चलने के आसार है हजारीबाग में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमकने के आसार है दोस्तों गुमला में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी और मौसम विभाग की मानेडा तो, में चार से पांच दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी गिरडे में दोस्तों पूरे सात दिनों तक अच्छी बरसात और बिजली चमकने के आसार है गढ़वा में दोस्तों भारी बरसात के आसार और बिजली चमकने के आसार है पूर्वी सिंहभूम में पूरे छह दिन तक छिटपुट के साथ अच्छी बरसात और बिजली चमकेगी दुमका में दोस्तों पूरे सात दिन तक भारी बरसात और बिजली चमकेगी धनबाद में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी देवघर में चार दिन भारी

था पूरे झारखंड का मौसम अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप झारखंड के कौन से जिले गांव में शहर में रहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना